नमस्कार, एमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं कंचन। आई नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों पर। असम में चुनावी सरगर्मी तेज हो रही है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुधवार को एक रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चाय वाले बयान को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री असम की चाय की तारीफ करते हैं, लेकिन चाय के बागानों में काम करने वालों के लिए कुछ नहीं किया। पूरे मध्य प्रदेश की लड़कियों को हमारी सरकार पढ़ाएगी। लड़की पढ़े, समाज बढ़े। आओ बनाएं अपना मध्य प्रदेश। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के मुद्दे पर अपने सहयोगी दल भाजपा की कड़ी आलोचना करते हुए शिवसेना ने कहा कि भाजपा ने नैतिकता के नाम पर लोकतंत्र का गला घोट दिया है। इसके साथ ही शिवसेना ने चेतावनी भी दी है कि इससे देश में अस्थिरता और अराजकता का माहौल पैदा हो सकता है। दिल्ली में 15 से 30 अप्रैल के बीच ऑड इवन स्कीम के दूसरे चरण के दौरान महिला कार चालकों को छूट मिलेगी या नहीं, इस पर अभी सस्पेंस बरकरार है। दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि महिलाओं को छूट दी जाए या नहीं, इसके पक्ष और विपक्ष में बहुत मजबूत तर्क रखे जा रहे हैं, इसलिए इस पर अभी कोई फैसला नहीं हो पाया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कांग्रेस विधायक अजय राय के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने के वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द कर दिया। राय हिंदू धर्म के एक नेता पर लाठीचार्ज के खिलाफ प्रदर्शन में निकाले गए जुलूस के दौरान हिंसा के सिलसिले में पिछले साल अक्टूबर से जेल में है। विवादों में रहने वाली राधे मां एक बार फिर नए विवाद में घिर गई हैं। राधे मां पर आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मुंबई में अंधेरी कोर्ट के आदेश पर एयरपोर्ट पुलिस ने राधे मां पर आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। दरअसल उन पर विमान में त्रिशूल लेकर यात्रा करने का आरोप है। राधे मां पिछले साल औरंगाबाद से मुंबई आने वाले एक विमान में त्रिशूल लेकर गई थी। बिहार विधान परिषद में मंत्री अब्दुल गफूर पर कार्रवाई की मांग को लेकर विपक्षी बीजेपी के पार्षदों ने मंगलवार को जोरदार प्रदर्शन किया। सदन की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही बीजेपी ने कार्यस्थगन की मांग की, जिसे अस्वीकार कर दिया गया। शून्यकाल में बीजेपी पार्षदों ने सदन के वेल में पहुंचकर हंगामा करने की कोशिश की। सभापति ने विधान परिषद की कार्यवाही को भोजनावकाश तक के लिए स्थगित कर दिया। इसके बाद बीजेपी के सदस्यों ने परिषद के पोर्टिको में भी मंत्री पर कार्यवाही करने की मांग को लेकर काफी देर तक प्रदर्शन किया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। और भी खबरों के लिए आप बने रहिए www.emstv.in के साथ, और इसी के साथ ही आप अपने स्मार्टफोन पर गूगल पे में जाकर emstv की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार। पूरे मध्य प्रदेश की लड़कियों को हमारी सरकार पढ़ाएगी। लड़की पढ़े, समाज बढ़े। आओ बनाए अपना मध्य प्रदेश। आस्था और भक्ति का महापर्व सिंहस्थ, लाखों श्रद्धालुओं की श्रद्धा का केंद्र सिंहस्थ 12 वर्षों बाद आएगा 22 अप्रैल से 21 मई 2016 के बीच उज्जैन में।